दिल्ली पुलिस की कमिश्नरेट व्यवस्था 1 जुलाई 1978 को लागू करी गई थी, परंतु काफी वर्ष बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने वर्ष 1 जुलाई 2022 से दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट डे को मनाना आरंभ किया था। तब से पुलिस हर वर्ष कमिश्नरेट डे मनाते। सोमवार को दिल्ली के किंग्सवे कैंप में स्थित न्यू पुलिस लाइन में दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना थे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा और मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण एवं अकेडमिक विभाग द्वारा तैयार 5 किताबें जिसमें नए 3 कानून पर विस्तार से लिखी गई है, उसका भी मुख्य अतिथि ने विमोचन किया। आइए देखते हैं परेड की कुछ झलकियां जिसे हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने मौके पर जाकर कवर किया और मुख्य अतिथि और पुलिस आयुक्त ने समारोह में संबोधन के दौरान क्या कहा। सभी भूतपूर्व पुलिस आयुक्तों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों, सहकर्मियों और मीडिया के हमारे साथियों का भी स्वागत करता हूं। कमिश्नरेट एक परिचायक है दिल्ली पुलिस के इतिहास के उस पड़ाव का जब देश की संसद और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने
आज से 56 वर्ष पूर्व दिल्ली के बदलते स्वरूप और राजधानी की विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर महानगरीय पुलिसिंग के लिए एक पुख्ता व्यवस्था स्थापित करने हेतु दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 पारित करा। इस केंद्रीय कानून ने अन्य राज्य पुलिस वालों से पृथक विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रों में रेगुलेशन की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर सौंपी। देश की संसद और केंद्रीय कार्यपालिका ने दिल्ली पुलिस को एक विशिष्ट पुलिस बल का दर्जा दिया और लगभग पूर्ण रूप से नवसर्जित अधिकार क्षेत्र का एक्सक्लूसिवली उत्तरदायी बनाया। इस केंद्रीय अधिनियम के पारित होने के साथ ही इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक रूल बनाने के लिए दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देश की संसद ने साक्षरता प्रदान की। तब से लेकर आज तक दिल्ली के सभी माननीय उपराज्यपाल महोदयों के दिशा निर्देशों और प्रोत्साहन में दिल्ली पुलिस अपनी संवैधानिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज की कसौटी पर अपना सर्वस्व निछावर करती आ रही है। आज की इस शानदार परेड के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। विपरीत मौसम में भी आपने कम समय के रहते हुए भी एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करा है। सेरेमोनियल परेड सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती, हर परेड के आयोजन के पीछे एक पवित्र आस्था और सौगंध होती है। चाहे वो गणतंत्र दिवस परेड हो, रेसिंग डे परेड हो या कमिश्नरेट डे परेड हो, आज की परेड समर्पित है देश के संविधान और देश की संसद से मिले उस विशेष उत्तरदायित्व के प्रति जिसका अनुपालन दिल्ली पुलिस के गौरवमयी कंधों पर है। हम सदा से ही संविधान और दिल्ली पुलिस एक्ट द्वारा दिए गए अधिकारों का विधि सम्मत पालन करते आ रहे हैं। आज का ये शुभ अवसर एक अन्य कारण से भी विशेष बन गया है। आज से देश में नए आपराधिक कानूनों का अनुपालन शुरू हो चुका है। दिल्ली में नए कानूनों का अनुपालन एक अवसर है हम सभी के लिए संविधान और समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का। ये नए कानून हम सभी के जीवन और आचरण को बदलते भारत और बदलते समाज के समसामयिक बनाने की एक संसदीय पहल है। दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर उन्मुख ये नए कानून दिल्ली पुलिस के अपने आदर्श वाक्य शांति सेवा न्याय को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय और माननीय उपराज्यपाल महोदय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज से दिल्ली पुलिस ने नए कानूनों को अंगीकार कर लिया है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। महोदय, आज आपने अपने दिल्ली पुलिस परिवार का आतिथ्य स्वीकार किया, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। दिल्ली की सरकार की संवैधानिक बागडोर संभालते हुए भी अपने अति व्यस्त समय के बावजूद आपका स्नेह और ध्यान दिल्ली पुलिस के हर आचरण और दिल्ली पुलिस के हर समय पर सदैव बना रहता है। आपके आशीर्वचनों को सुनने के लिए आज समस्त दिल्ली पुलिस आपके समक्ष उपस्थित है। मैं पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि देश के संविधान और दिल्ली पुलिस एक्ट के अनुपालन में आपके बताए और सुझाए हुए रास्तों पर हम पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ चलते रहेंगे और आपकी हर उम्मीद हर आकांक्षा पर खड़ा उतरने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के पालन तथा प्रवर्तन के लिए भी दिल्ली पुलिस आज से प्रतिबद्ध है। यहाँ पर मैं अपने मीडिया के सहकर्मियों से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने संसाधनों का व्यापक प्रयोग करके नए आपराधिक कानूनों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और उनकी जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में जनता को जागरूक करने में हमारे भागीदार बने। आप सभी को पुनः एक बार कमिश्नरेट डे की शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। परेड के अवसर पर दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों को लगातार पिछली बार इस परेड का हिस्सा बनकर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1978 में आज ही के दिन दिल्ली पुलिसिंग की कमिश्नरेट प्रणाली शुरू हुई। कानून व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में यह काफी मददगार साबित हुई है
इस व्यवस्था से दिल्ली पुलिस को कई अधिकार मिले थे, जो न केवल अपराधों को रोकने में कारगर साबित हुए हैं बल्कि कल्याण में भी मददगार साबित हुए। इसकी सफलता का ही परिणाम है कि आज देश के कई बड़े बड़े शहरों में इसी व्यवस्था को देख रहे हैं। राजधानी के लिए यह व्यवस्था एक मील का पत्थर साबित हुई है। आज का दिन इसी को सेलिब्रेट करने के लिए। आज दिल्ली पुलिस देश की सबसे प्रतिष्ठित और कर्तव्यपरायण पुलिस को प्रतीक है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस के साहस और प्रतिबद्धता ने इसे विश्व स्तर पर एक प्रतिष्ठित कुशल और पेशेवर दल के रूप में स्थापित किया है। इसका श्रेय निसंदेह इसको नेतृत्व देने वाले सभी आयुक्तों और सभी पुलिसकर्मियों के समर्पण का भाव हो जाता है। दिल्ली पुलिस को हर रोज कई चुनौतियों से पार पाना होता है। दिल्ली पुलिस का दायित्व केवल दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करना नहीं है बल्कि हर रोज यहाँ आने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और मिशन एम्बेसीज की सुरक्षा का भी जिम्मा दिल्ली पुलिस पर ही होता है। इसके साथ ही यहाँ पर रोजाना होने वाले वीआईपी मूवमेंट्स, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियां, धरना, प्रदर्शन, रैलियां, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जिनमें लाखों की भीड़ आती है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ही कर्तव्य होती है। पिछले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में संपन्न हुए सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव को भी देखा है। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस ने सभी अवसरों पर अपनी कार्यकुशलता का दोहा मनवाया है। इसके लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री अरोरा तथा उनकी सभी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मैं इस मौके पर इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली महिला मार्चिंग टीम को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा जिसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य सहायक बलों में बेस्ट मार्चिंग कंडीशन कहा गया है। दिल्ली पुलिस लगातार राजधानी को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रही है कि हर समय वो उनके साथ है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है और लोगों से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ जनता के प्रति अपनत्व की भावना को बढ़ाने में भी कामयाब रही है। दिल्ली पुलिस ने सशक्त प्रहरी पुलिस निगेवान नीति शिष्टाचार शिष्टाचार पहचान यातायात प्रहरी और युवा जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी का जोर लगा है। लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए दिल्ली पुलिस तकनीक का भी हर संभव प्रयास कर रही है। वाहन चोरी की एफआईआर क्रॉस रिपोर्ट ऐप ऐप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऐप ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट डोमेस्टिक हेल्थ मेंटेनेंस वेरिफिकेशन सीनियर सिटीजन ऐप और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मोबाइल ऐप जैसी पहल स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक सराहनीय कदम। दोस्तों मुझे याद है कि मैंने पहली बार 2022 में इस परेड के अवसर पर आपको संबोधित किया था और मैंने दिल्ली पुलिस में महिलाओं का परिचय बढ़ाने पर जोर दिया था और आज मुझे खुशी है कि पिछले दो समय से इसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। यह कदम निश्चित रूप से महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों से निपटने में पुलिस को और अधिक सशक्त बनाएगा। दिल्ली में दो महिला पुलिसों की स्थापना महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देने में भी अगली दिशा की है। बड़ौदा कलाम में स्थित दिल्ली पुलिस अकेडमी इसका एक उदाहरण है जहाँ अन्य राज्यों के पुलिस बलों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए ये जरूरी है कि दिल्ली का हर पुलिसकर्मी तकनीकी रूप से मजबूत और दक्ष हो। दोस्तों किसी भी राज्य की पुलिस के लिए एफिशिएंसी सिस्टमेटिक बिहेवियर के साथ साथ ह्यूमन पुलिसिंग भी बहुत जरूरी है। पुलिस को एफिशिएंट देखने के लिए जरूरी है कि वो स्पीड टाइम को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी प्रेजेंस को मजबूत करें। इसके अलावा दिल्ली में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए राजधानी में जितने भी पुलिस बॉर्डर्स हैं
उन्हें सिक्योर करें ताकि वहां से किसी भी तरीके से नशे की तस्करी रोका जा सके। इसके लिए यह भी जरूरी है कि वो अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क को अपनी महिलाओं बच्चों और सीनियर सिटीजन से जुड़े मामलों में पुलिस की सेंसिटिव अप्रोच बहुत होना जरूरी है। आपके पास जब भी कोई व्यक्ति आ रहा है कि शिकायत को लेकर तो आपका यह फर्ज है कि आप उसके मानवीय पक्ष को दिखाने और उसको अपनी बात रखने के लिए जोन दें। मैं यहाँ पर पुलिस परिवार कल्याण समिति का भी जिक्र करना चाहूंगा जो न केवल नई प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करती है बल्कि पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। यह अन्य पुलिस संगठनों के लिए भी एक उदाहरण का विषय है। आज से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय शासन संहिता 2023 भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव लाने पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को मजबूत करने राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश करने का विश्वसनीय सुविधा प्रदान करने की दिशा में यह कानून की महत्वपूर्ण राजधानी में ये नए कानून को लागू करने में दलित पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका और इस पर दूसरे राज्यों को भी अपनी निगाह रखनी। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस अपने समस्त कर्मियों को इसका प्रशिक्षण देना शुरू करने वाली पहली पुलिस फोर्स है और मुझे बताया गया है कि अधिकतर कर्मियों ने ये प्रशिक्षण ले लिया है। मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। लेकिन जिस तरह हम दिल्ली पुलिस को जनता के प्रति उत्तरदायित्व मानते हैं उसी तरह से मैं चाहूंगा कि दिल्ली के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और कानून का पालन कर एक अच्छे नागरिक को निकाल मैं एक बार फिर से सभी को मजिस्ट्रेट डे की बधाई देता हूँ और यहाँ पर जो मार्चिंग कंटिजेंट था जिसने बहुत शानदार परेड की उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।